आज हम कलाम खुदा में से निकोदेमस के बारे में सीखेंगे आज का जो मौजू है निकदेमस का किरदार या उसकी ज़िंदगी पर एक नज़र उसकी शख्सियत के बारे में मेरे दिल में था कि आज हम गौर करें कलाम खुदा में से मरकजी आय जो है वो यौन रसूल की मार्फत लिखी गई यंजील तीसरा बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे आओ इस आयत पर गौर करें अगर तो आपके पास बाइबल है वैसे तो आप सबको बाइबल लेकर आना चाहिए मैं शुक्रगुजार हूं जो लेकर आते हैं जो मेरी बहनें बेटियां माएँ नौजवान हमारे भाई खादमीन कई खादम भी बाइबल तो बगैर ही तुरे आ रहे होंगे भी कैसा स्टाइल बनया हुआ है कईया ना तो बाइबल चुकन वाला बंदा नार रखा होंगे है ना वो भी एक स्टाइल है लेकिन कई तो बाइबल लेके ही नहीं ना आते तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप इबादत में आए वो यहाँ आए या किसी और जगह जाएँ सेमिनार में जाएँ कॉन्वेंचर में जाएँ अपनी बाइबल अपने साथ ज़रूर लेकर आए आमेन योना रसूल की मार्फत लिखी गई जंजील तीसरा बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दस को हम तिलावत करें जी खुदा के कलाम में मुकद्दस में रकम है फरीसियों में से एक शख्स नेकोदीमस नाम हाँ जी नेकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था यहूदियों का एक सरदार था थैंक यू बहुत शुक्रिया मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सब कहे आमीन कलाम खुदा में से जो आयत पढ़ी गई है वो निकुदेमस के बारे में हमने पढ़ी है और आज मैं चाह रहा था कि मैं उसकी शख्सियत पर आपके दरमियान कलाम की खदमत करूं उसका तारुफ वो एक फरीसी है यहूदियों का फिरका फरीसी मुस्लिम शरीयत के कटर पैरोकार बड़ी सख्ती से वो शरीयत पर अमल करते हैं इस शख्स का ताल्लुक इसी फिरके से था ना कि इस फिरके से था बल्कि बल्किड्र जो एक बड़ी उनकी कैबिनेट थी उनकी बड़ी जमात थी उनकी जो लीडर्स की काउंसल थी ये उसका भी हिस्सा था और शख्स बड़ा आलिम था पढ़ा लिखा एजुकेटेड शरीयत की सारी पांचों की पांचों किताबें तो रात इसने जुबानी उसे याद किया हुआ था और लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे झुक झुक कर इसे सलाम करते थे क्योंकि ये जज भी था काजी भी था और सरदार था और इसके नाम का मतलब है अवाम पर फतेह और जब हम इसके बारे में गौर करते हैं तो योहन्ना की इंजील के अलावा किसी और इंजील के अंदर इसका जिक्र नहीं है ओनली सिर्फ गॉस्पल ऑफ जॉन में इसका तस्करा हमें मिलता है थ्री टाइम्स इसका जिक्र तीसरे बाब में आया है पहली आयत चौथी आयत और नौवीं आयत में योहन्ना की मार्फत लिखी गई जील के तीसरे बाब की पहली चौथी और नौवीं आयत में निकदिमस का जिक्र है और फिर इसका जिक्र है योहन्ना सातवें बाब की पचासवीं आयत में और फिर इसका जिक्र है योहन्ना उन्नीसवें बाब की अड़तीसवीं और उनतालीसवीं आयते मुकदसा में कलाम खुदा में लिखा है कि वो रात के वक्त यीशु से मुलाकात करने आया कौन से वक्त रात के वक्त थलोजियन इसे तीन तरह से लेते हैं पहली बात वो दूसरे यहूदी लीडर्स सनहेड्रन काउंसल अपनी आवाम अपनी कम्युनिटी से डरता था इसलिए उसने रात की तारीखियों का चुनाव किया कि मैं रात के वक्त यीशु को मिलूंगा ताकि कोई और मुझे न देख ले कई लोग मुतलाशी होते हैं ट्रुथ सीकर होते हैं सच्चाई को जानना चाहते हैं जैसे बेशमार बाइबल मुकद्दस के मुतलाशी, जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह की जाते अकद ने इंपैक्ट किया है उनकी लाइफ में असरा छोड़े हैं वो यीशु से अपने दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं वो उसका भरमला एलानिया तो इकरार नहीं करते लेकिन दिलों में यीशु मसीह के लिए उनकी मोहब्बत मौजूद होती है हमारे मुल्क में और दुनिया में बेशुमार कौमी और कबाइल यस्सु मसीह से मोहब्बत करते हैं वो उसका बर्मला एलानिया इकरार तो नहीं करते लेकिन वो इकरार करते हैं कि यस्सु मसीह नजात हिंदा है वह छुप छुप कर बाइबल भी पढ़ते हैं वो बाइबल के मुतालिक सीखते हैं किताबें लिटरेचर रखा होता है क्योंकि वो ट्रुथ सीकर है और ये शख्स भी ऐसा ही है उसने यीशु के मौजजात का सुना हुआ है कि यीशु मसीह मिरिकल वर्कर है मौजजात का खुदावंद है और उसकी मिनिस्ट्री में हर तरह की कुदरत जाहिर होती है और वो रात के वक्त यीशु को मिलने आया ये पहला नजरिया है और दूसरा नजरिया यह भी रखते हैं उल्मा के रात के वक्त यसू से तफसीला तसली बख्श और ज्यादा वक्त के लिए बात हो सकती है क्योंकि यसू मसीह दिन के वक्त मिनिस्ट्री खिदमत में बीमारों को शिफा मौज़ात और बिशारत और इंजील खुशखबरी लोगों को सुनाते थे और तीसरी बात रात के वक्त क्यों गया उसकी ज़िंदगी में हो सकता है सब कुछ शरीयत के असूलों पर अमल करने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में गुना की तारिकियाँ थीं और वो चाहता था कि यीशु मसीह जो जिंदगी का नूर है उससे मेरी मुलाकात हो जाए ताकि उसके तारीख़ जीवन में यीशु मसीह की रोशनी आ जाए वो रात के वक्त यीशु से मुलाकात करता है और फिर वो उसको रबी कहता है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है शरा का आलम है और उसने शरीयत की पांचों किताबें खमसा जो है उसने जुबानी याद की हुई है और यहूदियों में आपको पता है रबी किसको कहते थे जो सबसे सीनियर होता था बुजुर्ग होता था ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल सबसे सीनियर शख्स को हालांकि यीशु मसीह की जो एज है वो भी इतनी नहीं है लेकिन वो जान गया था कि ये बुजुर्ग हस्ती है और वो क्या कहता है ए रबी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, है लोहिया उसने रात को यीशु के पास आकर उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा उससे कहा ऐ रबी ऐ रबी हम जानते हैं हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है उस्ताद होकर आया है क्योंकि जो मौजजे क्योंकि जो मौजजे तो दिखाता है तू दिखाता है कोई शख्स कोई शख्स नहीं दिखा सकता नहीं दिखा सकता तब खुदा जब तक खुदा उसके साथ ना हो ना हो अगली बात क्या है जो मौजे तू दिखाता है जो मौजे तू दिखाता है अनाजील के अंदर यीशु मसीह के बहुत सारे मौजात का जिक्र है और वो मौजे सिर्फ उस वक्त ही नहीं हुए थे वो मौजात आज भी हो रहे हैं मैंने पिछली वादात में इस बात का जिक्र किया था कि दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं बड़ी बड़ी अजीम और मोतबेर हस्तियां हैं बाइबल में पुराने हदनामा में नए हदनामा में लेकिन किसी भी हस्ती के नाम से बदरूहे कांपती और थरथराती नहीं है नाम एक ही जिससे बदरूहे आज भी कांपती और थरथराती और मौत रूनुमा होते हैं जहूर पजीर होते हैं वो यसु नाम है उसने कहा जो मौज़े तू दिखाता है कोई शख्स हमारा ईमान है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यहां है वो कल भी मौज से करता था वो आज भी करता है और आने वाली कल में उसके मौज से जारी और सारी है बहुत सारे लोग फाइया इबादत की मुखालफत करते हैं हमारे अपने बहुत सारे मसीही बहुत सारी तंजीमें डिनोमिनेशंस वो इस बात को कबूल नहीं करती वो इसकी मुखालफत करती है कि जी बदरुए कहां है लेकिन याद रखें इस बात को कि मौजाद जहां खुदा की खुदाई को साबित करती हैं वहां खादमों की खदमत और उसके बुलाहट और बुलावे की तस्दीक भी करती हैं जो मौजें बोले जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स जब तक खुदा उसके मौजे कब होते हैं जब खुदा साथ होता है जिन कलिसियों चर्चेस में मौत हो रहे हैं समझे कि खुदा उस कलिसिया के साथ है खुदा ने उस कदम को बुलाया हुआ है खुदा तस्दीक करता है खुदा ने मूसा को कहा कि मूसा जा मुस्सा ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो लोग पूछेंगे किसने तुझे भेजा है तू किसके नाम से आया है तू किसके इख्तियार से आया है खुदा ने मूसा को लाठी दी खुदा ने कहा ये लाठी ले और ये तेरी अथॉरिटी है ये तेरा इख्तियार है जहां तू जाएगा तू इस लाठी को इस्तेमाल करेगा वहां मौज से रूनमा होंगे जहां पर यह साबित हुआ कि इसराइलियों का खुदा सच्चा और कादरे मुतलिक है वहां पर यह भी साबित हुआ कि मूसा खुदा का नबी है आज भी मोजरात उस जगह पर होते हैं जिन खादमों को खुदा ने वाकई ही बुलाया हुआ है हकीकतन बुलाया हुआ है उनकी मिनिस्ट्री के वसीला से सुपर नेचुरल काम होते हैं बीमार शिफा पाते लाइलाज बीमारियों से लोगों को शिफा मिलती और बदरूहों से लोग आजाद होते और गुनेगार निजात पाते आज इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिस चर्च जिस कलिसिया का आप हिस्सा है क्या उस कलिसिया में ये कुदरत ये बरकत ये शिफाएं ये निजात ये मोजात जाहिर हो रहे हैं कि नहीं क्योंकि यहां पर इस सरदार ने कहा कि जो मौज से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो वो मसीह की प्रवेश कर रहा है तारीफ कर रहा है जब ये बात मेरे सामने थी तो मेरे सामने आज के जो परस्तार हैं जो अपने आप को वर्शिपर्स कहते हैं वो सामने मेरे आगे और दूसरी तरफ खुदाबंद खुदा कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटा और तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि ये यहूदियों का सरदार, फ्रीसी निकमस जो है ये आज के वर्शिपर्स की तरह है जो सिर्फ सिताइश करते हैं जो सिर्फ प्रेज करते हैं उन्होंने हकीकतन खुदा को कबूल नहीं किया हुआ अब यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या है इसकी तारीफ और जो एप्रिशिएट कर रहा है जो खुदावन की तारीफ कर रहा है उसका रिस्पॉन्स क्या किया खुदावन ने यीशु ने जवाब में उसे यीशु का जवाब सुने यीशु मसीह ने वो जो प्रेस कर रहे उस पर तो दी बल्कि उसकी हालत बयान की है हालत क्या थी यीशु ने जवाब में उसे कहा यीशु ने जवाब में उसे कहा मैं तुझे सच कह मैं तुझे सच कहता हूं जब तक कि जब तक कोई नए सिरे, सिरे से कोई नए सिरे से ना हो खुदा ना हो खुदा की वो खुदा की बादशाही में देख नहीं सकता वो देख नहीं सकता ये बात खुदा ने कही खुदावन ने उसकी प्रेज पर ध्यान नहीं दिया उसकी हालत बयान किया कि तेरी हालत की है तेरी हालत ठीक होने वाली है और जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता ते खुदा दी बादशाही चाहे मैं तो उसी तौर जा ये यह बात खुदा उसे समझाना चाह रहे हैं। नई पदाइश का मुकाशफा ये एक रेवलेशन है नए सिरे से पैदा होना आज बेशुमार लोग तरह तरह से गुफ्तगु करते हैं कि जी हम तो बड़े नेक हैं हम बड़ी नेकियां करते हैं हम जनरसिटी करते हैं हम सखावत करते हैं गरीबों की मदद करते हैं भूखों को खाना खिलाते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है यह शख्स भी नेक था इस शख्स ने भी बहुत ज्यादा नेकी के काम किए थे लेकिन खुदा ने उसकी असल हालत बयान की है जिसकी उसको जरूरत है और वो क्या है जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख सकता आपको नए सिरे से पैदा होना जरूरी है लाजमी है फर्स्ट संडे यहां पर शायरबानी होती है हमारे चर्च में बाकी भी चर्चेस में मैंने देखा ज्यादातर मैं अपनी टीम को टीच करता हूं जिन लोगों ने तोबा किया है पानी का बपतिस्मा लिया है जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं आप उनको इशायरबानी जरूर दिया करें लेकिन जो विजिटर्स हैं एक लम्हा पूछ लिया करें और अगर आप पूछेंगे अगर वो माइंड करें माइंड ना करें क्योंकि आप न्यू हैं हमारे लिए हम आपके बारे में जानते नहीं हैं एक भाई मेरे पास आया इबादत के बाद नाराज था वो कि मेरी टीम ने उससे क्यों पूछा है कि तुम तोबा की है कि नहीं नवे सिरे तो पैदा हो, हो कि नहीं मुझे कहता जी मैं तो मुस्तकीम भी होया हो मेरा तो इस्तेकाम भी होया हो मैं क्या भाई जी ताकाम ता मुस्तकीम तुम्हें मुबारक हो लेकिन तहनु नवे सिरे तो पैदा होना ही पैना है क्योंकि का हुक्म है मैंने उस भाई से बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ ये गुफ्तगु की ये हुक्म है आप ना कह के मुझे बचपन में बपतिस्मा दिया गया था अफसोस बहुत सारे डिनोमिनेशन के अंदर तो अब ये चीजें बेहतर हो रही हैं कि अब उन्होंने बड़े को बपतिस्मा देना शुरू कर दिया खुदा का शुक्र है देर आए दुरुस्त आए लेकिन बहुत सारी डिनोमिनेशन आज भी बच्चों को बपतिस्मा देती है और मैं सोच रहा हूं कि अगले दिनों में हम बपतिस्मे पर भी बात करेंगे ताकि ये चीजें भी ठीक हो कि बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में कहीं भी नहीं है अनजील के अंदर खतूत में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं लेकिन वो साबित नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल उसको प्रूव नहीं करते इसकी बड़ी जरूरत है कि आप नए सिरे से पैदा हो वो सरदार था वो फ्रीसी था वो जज था वो पढ़ा लिखा था वो नेकी के काम करता था वो मजबी प्रैक्टिस भी करता था लेकिन यसु ने उसकी असल हालत बयान की है कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा अच्छा समझ ही नहीं आई आलम हो के उन्हें समझ नहीं आई हूं तुम गौर करो कि जे आलम को समझ नहीं आई तो आम सादे बंदेतों समझ आएगी उसने कहा क्या आदमी बूढ़ा होकर दोबारा अपनी मां के पेट में जाएगा फिर पैदा होगा यानी इससे मुराद के उसे समझ ये एक मुकाशफा है नई पदाइश का मुकाशफा सबको समझ नहीं आता नेकोदिमस ने नेकोदिमस ने उससे कहा उससे कहा आदमी आदमी जब बूढ़ा होगा जब बूढ़ा होगा तो क्यों कर पैदा तो हो क्यों कर है? पैदा होगा क्या वो दोबारा क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में, अपनी मां के पेट में पेट में दाखिल होकर दाखिल होकर पैदा हो सकता पैदा है पैदा हो सकता है ये हैरान हैरानी की बात थी, थी शरा के आलम के लिए वो आलिम था लेकिन नई पैदाइश का मुकाशफा उससे बेखबर और इससे नवाकिफ था आज बेशमार लोग इससे नवाकिफ हैं नहीं पदाइश का मुकाशफा बाइबल मुकदस में पांच पदाइशों का जिक्र है कितने पहली पैदाइश खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से आदम को बनाया जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया पहली पैदाइश कहां से हुई जमीन की और फिर आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली निकाली और हवा यानी उसका मददगार औरत को बनाया दूसरी पैदाइश कहां से हुई आदम से मर्द से कहां से बोल दे पहली पैदाइश कहां से दूसरी आदम यानी मर्द से तीसरी मर्द और, और, और औरत यानी आदम और हवा से जैसे मैं और आप हम सब पैदा हुए हैं। यह तीसरी पदाइश है और चौथी पैदाइश के बारे में फरिश्ते का पैगाम था देखो एक कंवारी हामला होगी उसका नाम मुकदसा शाबाश यस चौथी पदाइश कहां से हुई औरत से पहली पदाइश मिट्टी से दूसरी आदम से तीसरी आदम और हवा से चौथी औरत कंवारी मुकदसंबरीम से और पांचवीं पदाश के बारे में लिखा है वो ना खून से और ना गोश से बल्कि खुदा से पैदा हुए इसकी बात की है खुदा ने जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता शर्त क्या है नई पदाइश बोन अगेन ये बहुत ज़रूरी है आज अफसोस कि चर्चेस में इस पर लोगों को टीच नहीं किया जाता तालीम नहीं दी जाती हम महीने के पहले इतवार इस जगह पर इसी स्टेज में हमने हॉज बनाया हुआ है इसको कवर्ड कर देते हैं आम दिनों में और महीने के पहले इतवार हम इसमें पानी भरते हैं और लोग पानी का बप लेते हैं नई पैदाइश का गोसल लेते हैं मैं आज आपकी खिदमत में यह बात रखना चाहता हूं कि वो लोग जो अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए वो निकमस की जिंदगी से इस बात को सीखे उसका पहला तस्कर तीसरे में और दूसरा जिक्र सातवें बाप की 50वीं आयत में है जब यीशु मसीह के कत्ल का प्लान कर रहे थे यहूदी, जरा पढ़े जी आपको पता होना चाहिए कि यह शख्स कहाँ कहाँ हमें नजर आता है बाइबल में अनाजील के अंदर यौना की अंजील में इसका जो जिक्र मिलता है नेकदी ने जी जो पहले उसके पास आया था जो पहले उसके पास यानी रात के वक्त आया था उन्हीं में से था और उन्हीं में से था उनसे कहा यानी जिनसे वो गुफ्तू -गु कर रहा उन्हीं में से था उनसे, उनसे कहा तो क्या हमारी शरीयत क्या हमारी किसी शख्स को किसी शख्स को मुजरम ठहराती है मुजरम ठहराती है जब तक जब तक पहले उसकी सुन कर पहले उसकी सुन कर जान ना ले जान ना ले ना ले के वो क्या करता है वो क्या करता है उन्होंने उसके जवाब में कहा उन्होंने उसके जवाब में कहा क्या तू तो का है क्या तू तो गलील का है तलाश कर तलाश कर और देख और देख, नबी भरपा नहीं क्या, यानी यूदी कर रहे थे इसकी जिंदगी में च्यूखे निजात का काम हो चुका था और इसने यसु मसीह को अपना शख्स नजात कबूल कर लिया था और ये वहां खड़ा होकर वकालत कर रहा है जब वो की मसलूबियत का यीशु मसीह की मुखालफत का प्लान करते थे तो यही शख्स जो फरीसी था मजहबी लीडर था उसे तस्कीन नहीं मिली उसे तसली नहीं मिली मज़बी प्रैक्टिस करने के बाद उसे यीशु की ज़रूरत पड़ी और वह यीशु के पास आया और फिर वो डिबेट करता था अपने ही लोगों के साथ और उनसे गुफ्तगु करता था कि यीशु मसीह की पहले सुन लो क्योंकि उसने भी यीशु की सुनी हुई थी उसका भी जीवन बदल गया था इसलिए वो उनसे गुप्तगु करता है और फिर आगे चले उन्नीसवें बाब की अड़तीसवीं और उनतालीसवीं ये दो आयात हैं जो मैं चाहूंगा पढ़ती जाए एक और शख्स आपको मिलेगा वो भी यीशु मसीह का खुफिया शागिर्द था इन दो आयात के अंदर जी पढ़े 19वें बाप की अड़तीसवीं और उनतालीसवीं आयते थे मुकदसा इन बातों के बाद इन बातों के बाद के रहने वाले, वाले यूसुफ ने यूसुफ ने शागिर्द था वो क्या था यीशु का यानी वो आम पर तो नहीं था वो खुलकर तो ऐलान नहीं करता था वो हुकूमती अदारों में उसका बड़ा असर और रसूख था बड़ा इंफ्लुशल पर्सन था उसके तल्क थे हुकूमतों के साथ अदारों के साथ सिक्योरिटी के साथ पोलिस के साथ अदालतों के साथ लेकिन वो यीशु का शागिर्द था और मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह के शागिद हर जगह होने चाहिए वो बिजनेस so, <mean> uh, त... में भी होने चाहिए वो मार्केट प्लेस में भी होने चाहिए वो अदारों में भी होने चाहिए वो पार्लियामेंट में भी होने चाहिए और हर जगह पर यीशु की गवाही देने वाले यूसुफ मत्तिया का फिर आगे इन बातों के बाद इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने यूसुफ ने जो यीशु का शागिर था लेकिन यहूदियों के डर लेकिन यहूदियों के डर से डर से खुफिया तौर पर खुफिया तौर पर पिलातुस से बिलातूस से इजाजत चाहिए इजाजत ने पिलातुस ने इजाजत दी इजाजत दी बस वो आकर बस वो आकर उसकी लाश ले गया उसकी लाश ले गया और भी आया अब यहाँ पर फिर आ गया ये मैंने बताया था कि इसके यौना की जील में तीन जगहों पर इसका जिक्र है इस जगह पर क्या हुआ जी और निकोदीमस भी और आया निकोदीमस भी आया जो पहले जो पहले यीशु के पास यीशु के पास रात को गया था रात को गया था योहन्ना को याद था कि वो रात के पैरों में यीशु से मिलने आया था उसके दिल में यीशु की मोहब्बत की रोशनी मुनव्वर हो चुकी थी वो यीशु मसीह की जात और उसकी उसकी, उसकी जात का जो मुकाशफा था उसे मिल चुका था और इसलिए उसने यीशु को छोड़ा नहीं है मेरा यह ईमान है कि वो किसी कौम से हो किसी मजहब से हो किसी फिरके से हो किसी अकीदे से उसका तल्लक हो जिसको यीशु मसीह की जात का मुकाशफा मिल जाता है वो यीशु को छोड़ता नहीं है वो यीशु से लग कभी नहीं होता ये शख्स रात के पहरों में मिलने आया था और इसकी आंखें बंद थी नई पैदाइश के मुकाशफा के लिए बोनगे नए सिरे से पैदा होना आज लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस सच्चाई को दबाया जाए लेकिन अजीजों जिन पर यह भेद खुल जाता है जिन्हें ये मुकाशफा मिल जाता है जिन पर यह सच्चाई अँ हो जाती है वो मसीहियों या किसी और कौम से वो फिर ये के होकर रह जाते हैं हेले और वो जो पहले यीशु के पास जो पहले यीशु के पास रात को गया था रात को गया था और पचास शेर के करीब हाँ, पचास शेर के करीब मुर और ऊद मुर और ऊद मिला मिला हुआ लाया मिला हुआ, मिला हुआ लाया खुशबूदार चीज है बस उन्होंने हाँ जी बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर यीशु की लाश लेकर सूती कपड़े में सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ ये अकीदत थी शगिर तो नहीं ये कर सकते थे लेकिन ये दोनों शख्स मजहबी सियासी असरो रसूख रखने वाले लोग थे इन दोनों का किरदार बहुत बड़ा है इनका सियासी मजबी असरो रसूख था इन्फ्लुएंस था इनका पूरी सोसाइटी में और इसने पचास शेर ये जोड़ा शेर हों ना, किलो नारा हों पर पुराने वक्तों शेर ही बोली दा पचास शेर मण वो खुशबुदार चीज़ें लेकर आया है उसने यीशु को छोड़ा नहीं है क्योंकि उसकी आँखें खुल गई थी उसके दिल की आंखें खुल गई थी उसका दिल रोशन हो गया था उसका दिल मुनवर हो गया था काश आज लोगों की आंखें खुल जाए आपको पता क्यों लोग कलाम की दुरुस्त तालीम को कबूल नहीं करते क्योंकि मशकें पुरानी हैं मशकें यीशु ने कहा था कि अगर मशक पुरानी है तो उसमें ताजा मैं नहीं भरी जा सकती क्योंकि अगर ताज़ा मैं भर दी गई तो मुश्कें क्योंकि पुरानी हैं वो फट जाएंगी और मैं ज़ाया हो जाएगी आज कलाम इसलिए लोगों के दिलों में नहीं ठहरता इंजील का पैगाम इसलिए लोगों की जिंदगी में नहीं ठहरता क्योंकि उनकी मुश्कें पुरानी हैं उनके दिल पुराने हैं उनकी जिंदगी में निजात का मुआवजा नहीं हुआ उन्हें नई पैदाइश का तजर्बा नहीं है वो बोन अगेन नहीं है वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए याद रखें जो एक दफा पैदा हुआ है वो दो दफा मरेगा और जो दो दफा पैदा हुआ है वो एक दफा मरेगा जो दो दफा पैदा हुआ है वो एक दफा तब मौत मरेगा नेचुरल डेथ लेकिन जो एक दफा पैदा हुआ है सिर्फ मां बाप के मिलाप यानी मां के पेट से वो दो दफा मरेगा एक दफा तबई मौत नेचुरल डेथ और दूसरी बात खुदा से हमेशा के लिए अलैद की जिसके बारे में लिखा है वहां रोना और दान पीसना है सेपरेशन सेपरेट हो जाएंगे आप खुदा से यसु मसी ने कहा पुराने कपड़े में नए कपड़े के साथ पैबंद हाँ जी ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਮੇਂ ਨਿਆ ਪੈਵੰਦ ਲਗਾਏਂਗੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਲਾਓਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਚਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਓ ਹਮ ਉਨਕੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਤਾਲੀ ਬਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ तो यीशु ने कहा पुराने कपड़े में नया पैबंद नवा जोड़ नहीं लाने चाहिए वो फट जाएगा जो, जो नया कपड़ा है वो स्ट्रांग होता है उसके धागे मजबूत होते हैं और पुराना कपड़ा इस्तेमाल हो होकर उसकी जो कि मजबूती जो है वो खत्म हो चुकी होती ताकत खत्म हो चुकी होती है इसलिए आज लोग खुदा के कलाम की सिंचाइयों को कबूल नहीं कर रहे क्योंकि दिल पुराने हैं यीशु सुमसी नया ले है लेकर दुनिया में आए हैं। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं नया हुक्म नया हैद नया दौर नई पैदाइश नया इंसान नई तख़लीक, नए मखलूक अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है पुरानी चीज़ें जाती रही देखो वो आज हम इस फ्रीसी इस सरदार इशारा के आलम इस जज की जिंदगी पर गौर करें इसने यसु की तारीफें की युसु को अप्रिशिएट किया लेकिन यसु मसीह ने उसकी असली हालत बयान किया है आ झुके हो चुके वो हम पर भी हमारी असली हालत जाहिर कर रहा है कि क्या हमारी जिंदगी में नई पैदाइश का मुआवजा हो चुका है क्या हम नए मखलूक बन गए हैं क्या हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं क्या हमारी मशकें नई होगी हैं कि नहीं वरना ताजा में ठहरेगी नहीं बह जाएगी आप जितना मर्जी कलाम सुने आप जितने मर्जी गीत सुने आप जितने मर्जी गीत गाए जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते